अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज। अहमद, अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिया। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी, मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने को होते हैं। अब आप देखो अहमद, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तबीर से। उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बहन क्या हुआ है? अहमद मेरी बात सुनो, आगे इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक मेहर के लिए लिखवा लेते, खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी, अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिया। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है। अजान ने इतना बड़ा प्रश्न हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक मेहर की रकम क्यों लिखवाई? आपा वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा, तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना, ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा, वो बात ये है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बात है कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी, ये मेरा फैसला नहीं है। देखो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता, और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ खुशियां लाएगी, निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ। नहीं अजान, अजान क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक मेहर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे,
तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी के बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज, ये सब मेरी गलत है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। Anyway, ये आप लोगों का आपस का मामला। I don't really care. हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो जार, let's go. फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, आपकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहां पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही है? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहां बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। बहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। उन्हें रोक लो। मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो, बस आप बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूँ, ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब, बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं? ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? आई टॉक टू योर फादर। I can't believe this. Zara, चलना यार, let's go. मेरी खातिर, come let's go. I mean,